खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बता दूं शोभना, जिस जगह हम यहाँ मौजूद है, यहाँ से अगर आप पीछे 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो 1 किलोमीटर पीछे काफी बड़ी संख्या में आप कौन है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कैसे, आप गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं, आप एक महिला के साथ गुंडागर्दी क्यों करने आए, इधर आइए, आप क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं। प्रतिमा आप अपना ध्यान रखिए, ये आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। बताइए मुझे, बोलिए, ये तरीका है लड़की को घेरेंगे आप लोग, ये तरीका आपके प्रदेश का। प्रतिमा अपनी सुरक्षा को आगे रखिए, अपना ध्यान रखिए सबसे पहले। प्रतिमा अपना ध्यान रखिए, ये इनका शांतिपूर्ण तरीका है। शोभना कैमरा पे देखा आपने, यही है इनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तस्वीरों में देखिए, एक महिला पत्रकार को घेर लिया गया है और यही है इनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये हो रहा है जामिया में, आप देख लीजिए, सुबह से हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं और ये हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। आपके सामने है ये तस्वीरें, यही है इनका साइलेंट प्रोटेस्ट। देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट। ये देखिए मान, आप क्या कर रहे हैं, आप कैमरा चलाइए मान, आप तस्वीरें दिखाइए, आप कैमरा चलाइए मान, डोंट डू दिस, आप कैमरा चलाइए। हम यहाँ बता रहे हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या कर रहे हैं आप, साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर। ये तरीका है, देखिए किस तरीके से एक महिला पत्रकार को घेर रहे हैं। यही ये वही कैंपस है जहां सुबह 6 बजे से मैं मौजूद हूँ, रिपोर्ट दिखा रही हूँ लगातार, इन्हीं लोगों की आवाज हम देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल के नाते यहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में ये स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है वो आपके सामने है, यहाँ जो हो रहा है आपके सामने है, ये है शांतिपूर्ण प्रदर्शन जामिया का जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरीके से एक महिला पत्रकार को ये तमाम स्टूडेंट्स है घेर कर खड़े हो जाते हैं, कैमरा पर हाथ मारते हैं और कहते हैं आप कुछ नहीं दिखा सकते, आप बिके हुए हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ, एबीपी न्यूज ने ऐसा क्या दिखाया जिससे आप इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हम आपकी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से एक पत्रकार को घेरते हैं और साइलेंट प्रोटेस्ट के नाम पर ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। प्रतिमा मैं सबसे पहले तो आपसे कहूंगी कि आप अपना ध्यान जरूर रखें, ये भीड़ उग्र भी हो सकती है, कल भी हमारे सामने ये हिंसक तस्वीरें आई थी और एक महिला होने के नाते मैं आपको आगाह भी करना चाहती हूँ इन छात्रों से जो दावा तो ये कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और इस तस्वीर में साफ हो रही है प्रतिमा कि ये छात्र तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो इनकी उम्र दिख रही है उससे इनमें कुछ तो मुझे बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि लड़कियों ने आपको बचाया है, वो लड़कियां कौन थी? वो यहाँ की स्टूडेंट्स ही थी शोभना, आपको बता दूं कि कुछ महिला स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार हमारी इस कवरेज को देख भी रही हैं, उन्होंने हमसे बात भी की, उनमें से किसी ने भी ऐसा कोई आरोप हम पर नहीं लगाया, ना किसी तरीके की बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रदर्शन का नाम लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस जामिया इलाके में, जिनसे पुलिस भिड़ने के लिए कुछ दूरी पर मौजूद भी है, वो अभी तक हाय हाय के नारे लगा रहे थे कुछ देर पहले, वही लोग साइलेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे और इसी तरीके से ये लोग अचानक भीड़ में किसी न किसी को टारगेट करते हैं, मीडिया के किसी न किसी पर्सन को टारगेट करते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं और कैमरा बंद करवाने की कोशिश ये लोग जबरन करने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोग गलत संदेश दे रहे हैं। मैं लगातार यही कह रही हूं कि आप एबीपी न्यूज के एक रिपोर्ट को पॉइंट आउट करके बता दीजिए, हम लगातार जिम्मेदारी से इनकी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, सुबह 6 बजे से लगातार मैं ग्राउंड पर मौजूद हूं और ये रिपोर्ट जनता तक पहुंचा रही हूं कि हमने बतौर जिम्मेदार चैनल ही सारी रिपोर्ट यहां से दिखाई है। शोभना जी,
प्रतिमा आप नजर बना के रखिए, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा इस समय जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। उनके साथ भीड़ ने बदसलूकी करने की कोशिश की, उनको घेर लिया गया। हमारा दूसरा सहयोगी वरुण जैन उनको बचाने के लिए पहुंचा। हालांकि अच्छी बात यह थी कि जामिया यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं ने हमारी सहयोगी को बचाया और वहां से बाहर निकाला।